हाँ सभी ध्यान दीजिए, संख्यावाची शब्द, संख्यावाची सब लोग जानते हैं नंबर संख्या, इसमें क्या है एक दो तीन चार, ये चार संख्या जो है एक दो तीन चार, इन चारों का संस्कृत में तीन रूप होते हैं, सिर्फ यही चार। उसके बाद संख्या पांच से प्लस, यानी पांच से ऊपर क्या होते हैं, इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, ये तीनों एक होते हैं। तीनों क्या होता है, एक होता है, इसमें अलग नहीं होते। अलग किसमें होते हैं, एक दो तीन चार, तो एक को क्या बोल देंगे पुल्लिंग में एक, दो को क्या बोल देंगे द्वौ, और तीन को क्या बोल देंगे बोलो त्रय, चार को क्या बोल देंगे चतवार। हाँ ये देखिए आपका पुल्लिंग का संख्या शब्द है एक, जैसे बालक का होता है बालक, लता का लता आकार, तो एक में स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा एका, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम है मैं इसको बढ़ा लेता हूं। हाँ एक से चार तक जो है सीखना थोड़ा कठिन है, बाकी बहुत ही आसान है, क्लियर है। एका एक स्त्रीलिंग में एका, और नपुंसक लिंग में एकम एकम एकम। देखिए आसान है, द्वौ द्वे, पत्रम पत्रे, लता लते, नपुंसक लिंग में भी द्वे, तीन का देखिए त्रय, और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा बोलो तीसरा, और पुंसक लिंग में त्रीणी, त्रीणी, क्लियर है। अब देखिए यहाँ तीसरा है तो चार में भी हो जाएगा चतस्त्र, क्या हो जाएगा बोलो चतस्त्र, और यहाँ है त्रीणी तो संस्कृत का चार करना चतवारी, चतवारी, क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं ना है, नो सर। चलिए अब देखते हैं पांच से ऊपर, लेकिन सिर्फ आपको लिखना रहेगा एक दो तीन चार, तो ये हो गया एक, उसके बाद बोलिए दो को क्या बोलेंगे द्वि, तीन को त्रि, और चार को चतुर, क्लियर है। कोई दिक्कत, एक द्वी त्री चतुर हो गया। चलो अब मैं इसको स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग को हटा रहा हूं। अब देखिए पांच से ऊपर, पांच से ऊपर, पांच को बोलते हैं पंच, क्या बोलते हैं सिक्स को षट, सात को सप्त, आठ को अष्ट, नौ को नव, और दस को दस। चलिए फिर से एक बार आप लोग बोलो बोलो पंच पंच षट सप्त अष्ट अष्ट नव नव दस दस। देखिए चार को घेर रहा हूं, चार को एक और शब्द बोलते हैं, उसको बोलते हैं चतुर, क्या बोलते हैं चतुर, ए विसर्ग के जगह पे रा लग गया, ठीक है। देखिए फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या है, नीचे
नीचे ध्यान दीजिए, 10 + 1 ठीक है, 10 + 1 हो गया, यानी 1 + 10 हिंदी में, संस्कृत में ऐसे 1 + 10 तो क्या हो गया, बोलिए एकादश। आसान है ना? ठीक है, चलिए कौन कौन है अभी? प्रेम है, खुशी है, धैर्य जसवाल, मयंक है, और कौन कौन है? हाँ चलिए ठीक है, हाँ अनुष्का मित्तल है, और भी बहुत लोग हैं, अभिराज है, ब्यूटी है। चलिए देखिए अब क्या करते हैं, एकादश के लिए उसके बाद आए। देखिए ये हो गया 11 का, ठीक है 12 से शुरू करते हैं। दो प्लस दस द्वादश, इधर द्वादश, 3 + 10 बोलिए त्रयोदश, त्रयोदश, त्रयोदश। आसाम में देखिए दस लग रहा, दश 1 + 4 = 14 हो गया, चतुर्दश, चतुर प्लस दस क्या हो गया, चतुर्दश, 1 + 5 = 15 यानी कि पंचदश, पंचदश। हाँ 16 कठिन है ये, थोड़ा सा आपको याद करना है, 16 को बोलते हैं षोडश, पाटे 16 को षोडश, षोडश। हाँ चलिए अब देखें 17 यानी 1 - 7 = 17 7 + 10 बिल्कुल आसान है, जैसे ये 7 हो गया और ये 10 हो गया, ये हो गया 7 + 10 तो सप्तदश, कुछ नहीं करना, जैसे आपको 10 तक याद है वही। अब देखिए 1 + 8 = 18 18 को क्या बोलते हैं, अष्टादश, अष्टादश क्या बोलेंगे, अष्टादश। 1 + 9 यहाँ देखिए दो शब्द है, एक तो 9 + 10 भी बोल सकते हैं, तो क्या हो गया नवदश, क्या हो गया नवदश, और एक एकोन विंशति भी होता है, एकोन विंशति क्या होता है, एकोन एकोन विंशति, ये इधर लगा देता हूँ, एकोन विंशति यानी 20 में एक कम हो गया, एकोन विंशति, क्लियर है, विंशति में सर अह भी है, विंशति एकोन विंशति, क्लियर है, यस सर। और 20 को विंशति, विंशति। चलिए तो सब लोग सीख गए, कोई दिक्कत है सर? खाली 10, 20, 30, 40 ये सब याद करना है, बाकी सब इजी है। एक से 10 तक याद कीजिए, एक बार फिर से आप लोग रिपीट कर लीजिए, और मैं ये वीडियो कल भेज देता हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं वे लोग भी सीख जाएंगे 1 से 20 तक। 10 हो गए, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश या एकोनविंशति और विंशति। चलिए बाय एवरीवन, टाइम भी हो चुका है आई थिंक। चलिए बाय एवरीवन, और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, 1 से 20 तक के शब्दों को सीखिए और याद कीजिए, ठीक है।